गुड मॉर्निंग पीपी वन क्लास, हाउ आर यू बेटा? कैसे हैं आप सब? आज बेटा आपकी इंग्लिश की क्लास में हम कराएंगे मैच द अल्फाबेट। सेम अल्फाबेट की हमें मैचिंग करनी है, ठीक है? यहाँ पे भी अल्फाबेट होंगे और यहाँ पे भी टू रो होंगी जिसमें आमने सामने आपके अल्फाबेट लिखे जाएंगे। आपको बेटा सेम अल्फाबेट से सेम अल्फाबेट को मैच करना है, ओके? चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो फर्स्ट रो हमारी रेडी है जिसमें हमने अल्फाबेट राइट कर दिए। अब मैं सेकंड रो में भी अल्फाबेट राइट करूंगी। ध्यान से देखो बेटा, फिर हमें उन्हें मैच करना है, ओके? ये देखिए पीपी वन क्लास, ध्यान से देखेंगे, हमने आमने सामने अल्फाबेट राइट कर दिए। कौन कौन से अल्फाबेट हैं? एच, ए, ई, आई, जी, के, यही अल्फाबेट हमने सामने राइट किए। तो अभी हमें क्या करना है? सेम अल्फाबेट को सेम अल्फाबेट से मैच करेंगे। तो फर्स्ट अल्फाबेट क्या है हमारा बेटा? फर्स्ट अल्फाबेट है हमारा एच। एच फॉर हैंड, यहाँ पे एच है। अब हमें इस रो में एच को ढूंढना है, कहाँ पे? क्या है ये? एच फॉर हैंड। अब हम इसको इस रो में ढूंढेंगे, ठीक है? फर्स्ट क्या है? G for grapes, K for kite, H for hand, H for hand। तो हमने क्या किया है? H को H से मिलाना है, हमें H मिल गया और ये हमने H से H को मैच कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट अल्फाबेट है ए। क्या है? ए। अभी हमें क्या करना है? एच को हमने एच से मिला दिया, मैचिंग कर दी। एच से नेक्स्ट है लेटर ए। अब हमें सेकंड रो में लेटर ए को ढूंढना है। चलिए ढूंढते हैं। जी, के, एच मैच हो गया है। ए, ए को हमने ढूंढ लिया। ए को हम ए से अब मैच करेंगे। क्या करेंगे? ए से ए को मैच कर देंगे, ठीक है? ये लीजिए, ए से ए को हमने मैच कर दिया, ठीक है? समझ आया? पीपी वन क्लास, इस रो में फर्स्ट लेटर हमारा था एच, तो एच की मैचिंग हमें करनी थी एच से ही, क्योंकि हमारा टॉपिक है मैच द अल्फाबेट। अल्फाबेट को अल्फाबेट से मैच करना है। तो फर्स्ट था हमारा एच, जिसको हमने सेकंड रो में ढूंढा, यहाँ मिला और इसकी हमने मैचिंग कर दी। फिर था हमारा नेक्स्ट लेटर ए, ए की मैचिंग करनी थी, तो हमने फिर से ढूंढा, हमें मिला
लेटर ए, हमने उसकी मैचिंग कर दी। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, अल्फाबेट ई, अल्फाबेट ई। अब हम सेकंड रो में ढूंढेंगे अल्फाबेट ई को। जी के एच और ए की मैचिंग हो गई है। नेक्स्ट क्या आया, ई। नेक्स्ट क्या आ गया, ई। तो हमें क्या करना है, ई से ई की मैचिंग करनी है। तो चलिए हमने ई को ढूंढ लिया है, हम ई की मैचिंग कर देते हैं। तो अल्फाबेट ई से अल्फाबेट ई की मैचिंग हो गई। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अल्फाबेट आई। क्या है बेटा, अल्फाबेट आई। चलिए ढूंढते हैं, जी के एच ए ई आई। हमने अल्फाबेट आई को ढूंढ लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उनकी मैचिंग करेंगे ऐसे, राइट। नेक्स्ट लेटर क्या है हमारे पास, जी। अब हमें क्या करना है, जी को सेकंड रो में ढूंढना है। फर्स्ट लेटर ही सेकंड रो का जी है। चलिए मैच करते हैं, ओके। जी से जी की मैचिंग हो गई। नेक्स्ट क्या है, अल्फाबेट के, अल्फाबेट के। क्या बचा, यहाँ पे भी अल्फाबेट के और यहाँ पे भी, सबकी मैचिंग हो गई। ये लीजिए, के से के की मैचिंग हो गई। पीपी वन क्लास, आज हमारा टॉपिक था मैच द अल्फाबेट। हमने क्या किया, सेम अल्फाबेट की, सेम अल्फाबेट के साथ मैचिंग की, राइट। ध्यान से देखिए बोर्ड पे, हाँ जी देख लिया बेटा आपने, पीपी वन क्लास। चलिए वन टाइम में और आपको फिर दोबारा से बता देती हूँ। हमने फर्स्ट रो में भी अल्फाबेट राइट करने हैं, सेकंड रो में भी, ठीक है, और उनकी मैचिंग करनी है। एच से एच की मैचिंग की, ए से ए की मैचिंग की, ई से ई की, आई आई। क्योंकि बेटा मैच द अल्फाबेट है तो हम सेम अल्फाबेट को ही सेम से करेंगे ना। जी से जी, के के, ठीक है। ध्यान से देखिए पीपी वन क्लास, बेटा आपने अपनी इंग्लिश की नोटबुक में मैच द अल्फाबेट टॉपिक डाल के दोनों तरफ अल्फाबेट राइट करके मैचिंग करनी है, ओके। देख लिया सामने आपने, ओके। पीपी वन क्लास, थैंक यू।